मित्रों, इस मिर्ची के गमले में एक पीपल का पौधा हुआ है। देखिए, ये पीपल का पौधा है। अब इसको हम रेस्क्यू करेंगे। इसको हम यहाँ से निकाल के किसी दूसरे गमले में डालेंगे और जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको हम बाहर कहीं ज़मीन में अच्छी जगह देख के लगा देंगे। ऐसे ही मैंने बहुत सारे पौधे पहले भी रेस्क्यू किए। अभी हाल ही में जब कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने अनार का पौधा एक और छोटा सा उगा हुआ था गमले में, उसको मैंने यहाँ पर लगाया था। तो इसकी पूरी मैं ग्रोथ की वीडियो आपको बनाऊँगा और उसके बाद में जाकर इसको हम कहीं पे लगा देंगे। अब जैसे ये सारे पौधे आप देख रहे हैं, ये सब गमले में ही उगे हुए थे, जिनको निकाल के हमने यहाँ पे दूसरे गमले में किया है और इन फिर को लगा के कहीं बाहर लगा देंगे। तो ऐसे हमें जो छोटे छोटे पौधे होते हैं काम के, अच्छे पौधे, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। खास करके जो पेड़ के पौधे होते हैं उनको किसी दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर दीजिए और बाद में जाके कहीं ज़मीन में लगा दीजिए। ऐसे आज मित्रों, आजकल के इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर हम पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, पर हमें लॉन्ग टर्म में इसका कितना नुकसान भुगतना पड़ेगा वो हम सोचते तो हैं, पर मतलब करते नहीं, कोई प्रैक्टिकल करते नहीं। हमें पता है कि लॉन्ग टर्म के में पौधों को काटना और नष्ट करना कितना नुकसानदायक है, और ये हमारे लिए, पूरी पृथ्वी के लिए नुकसानदायक है, पर फिर भी कटिंग होती रहती है इनकी और कोई पौधे लगा के राजी नहीं है। मैं देखा है कि जो बच्चे होते हैं अमीर के, नॉर्मल मतलब कहीं भी जाते हैं खाने पीने, 500 रुपये आराम से खाने पीने में वेस्ट कर देते हैं, वो भी जंक फूड पर। वही अगर 100 रुपये का प्लांट लगाना पड़ जाए, 50 रुपये का, चल 20 रुपये का प्लांट मिल जाता है, वो भी लगाना पड़ जाए, तो उनको एक पहाड़ की तरह महसूस होता है, पता नहीं क्यों। पर मैं पर्सनली हर एक महीने एक पेड़ ज़रूर लगाता हूँ, और आपको भी ये करना चाहिए, सबको ये करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी। मैं सोचता हूँ कि भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है तो वो उसका यूज़ सबके लिए क्यों नहीं करता, मतलब कि अपनी भी वेलफेयर करे बट बाकियों का भी तो सोचे। पर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, हम पहले इस पौधे का रेस्क्यू कर लेते हैं। इसको हम शिफ्ट करते हैं दूसरे गमले में, इसको आराम से खुरपी से, ताकि इसकी जड़ें हिले ना, साइडों से मिट्टी काट दें। वैसे ये पीपल का पौधा जड़े हिल भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट दीजिए, आराम से कुछ दिन में सेट हो जाएगा, पर फिर भी हमें इसे ख़राब नहीं करना। ये निकला है हमारा पौधा, और यही पौधा एक बहुत विशाल वृक्ष में परिवर्तित होगा अगर हमने इसकी सही से देखभाल की और एक चुन के किसी अच्छी जगह लगाया जहाँ पे इसको मतलब डिस्टर्ब ना किया जाए, उखड़ा ना जाए प्रशासन द्वारा किसी और द्वारा, तो हम वैसे ही करेंगे। अभी एक हाथ से कैमरा को पन्ना लगाना मुश्किल हो रहा है, क्या करूँ। और ये हमारा नन्हा वृक्ष लग चुका है, रुकिए दोस्तों, पानी लेके आता हूँ इसके लिए। और ये पौधे के लिए अमृत, तो फाइनली आज हमने एक और अच्छा काम किया, एक नया पेड़ तैयार कर लिया। अब इसको हम जब कहीं धरती पे लगाएंगे तो ये कितना विशाल वृक्ष बनेगा, उस पर पक्षी डेरा डालेंगे, उनका घर बन जाएगा, गिलहरियाँ आएंगी, हमें छांव प्रदान करेगा। आपको पता है कि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और तुलसी के पेड़, ये सब जो हमारे मतलब बहुत पुराने पौराणिक टाइम में भी इन पेड़ों का वर्णन मिलता है, इनसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, तो हमें ऐसे पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, इस तरह हमें पौधों की रक्षा करनी चाहिए। जो पौधा नर्सरी से ख़रीदने में जिनको दिक्कत होती है या फिर महंगे लगते हैं, वो इस तरह करके पौधे बड़ी आसानी से उगा सकते हैं और बाहर जा के ला सकते हैं। हमें अब देखिए, ये नीम का पौधा, ये भी गमले में पता नहीं कैसे किसी पक्षी पशु पक्षी के द्वारा
गिरा दिया गया होगा और उगाया था। अब देखिए कितना बड़ा हो गया ये। अब यही पौधा निकाल के हम खरपतवार की तरह फेंक भी सकते थे, पर ऐसा नहीं किया हमने। हमने इसे दूसरे गमले में ट्रांसफ़र किया, पहले छोटे गमले में, ऐसे गमले में, फिर ऐसे गमले में और फिर ऐसे गमले में। अब इसकी बारी है ज़मीन में लगने की। तो ऐसे ही हमें पौधों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब हम पौधों की रक्षा करेंगे तो पौधे पूरे पर्यावरण के लिए आवश्यक हैं, पूरे पर्यावरण पृथ्वी की रक्षा करेंगे, क्योंकि पौधों से ऑक्सीजन मिलती है और पशु पक्षी भी पौधों से खुश रहते हैं। पक्षियों को उनका घर, पक्षियों का घर होता है पौधे,